सरोपा जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो सबसे पहले आपसे सोयाबीन के ऊपर बात करना चाहूँगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे सोयाबीन का अक्टूबर वायदा 5728 पर है। रूपा जी, क्रॉप आने से पहले हमने सोयाबीन की जो वायदा बाजार है उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी तेजी आती हुई देखी थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि क्रॉप की जो जैसे जैसे क्रॉप्स की अराइवल्स बढ़ती नज़र आ रही हैं, सोयाबीन की कीमतें और ज़्यादा लुढ़कती हुई नज़र आ रही हैं। आपको क्या लगता है, एक तरफ सोयाबीन की आवकें बढ़ जाना, दूसरी तरफ सोयाबीन की जो फसलें हैं बड़े स्तर पर भारी बारिश के चलते खराब हो जाना, आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में आगे मंदी बनती हुई नजर आएगी इन ट्रेंड्स के चलते या तेजी? देखिए, अभी फिलहाल सोयाबीन के अंदर मंदी का माहौल है और अभी जो है बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तेजी की तरफ मार्केट दिखाई नहीं दे रहा है। 10,000 के ऊपर बिकने वाली सोयाबीन आज 5,000 के घरों में है, तो मुझे लगता है कि ये 5,000 के आसपास ही ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। अभी फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, लेकिन हाँ, खबरें जरूर निकल कर आ रही है कि सोयाबीन की फसलें काफी जगह पर बारिश के चलते खराब भी हुई हैं। क्रॉप को पहले जो है वो काफी ज्यादा डैमेज जो है इस बार देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट हर साल ही ऐसा होता है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से क्रॉप के ऊपर इम्पैक्ट आता है, लेकिन डिमांड भी अभी इतनी ज्यादा भी फिलहाल नहीं बनती दिखाई दे रही है। अब उन स्तरों पर जो बाजार जो है वो काफी सुस्त हो चुका है, तो मुझे लगता है कि सोयाबीन अभी हाल फिलहाल में एक रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे में आप मान के चलिए 5200 से लेकर और ऊपर में आपको ज्यादा से ज्यादा 6,000 तक के स्तर मैक्सिमम तेजी में जा सकते हैं, इससे ज्यादा अभी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही जी।